शहीद जवान राम प्रकाश फौजी के 1.5 साल के मासूम बेटे ने सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी। बता दें कि इनके शादी को हुए अभी 4 साल हुए थे और माँ भारती की रक्षा करते हुए राम प्रकाश फौजी वीरगति को प्राप्त हो गए। शहादत की खबर लगते ही वीरांगना पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं 1.5 साल का मासूम बच्चा अभी अपने पिता की शहादत से अनजान है। जब शहीद का मासूम बच्चा अंतिम विदाई स्थल पर पहुंचा तो इधर उधर टकटकी लगाए देख रहा था और उसे ये नहीं पता था कि इतने लोग शहीद के सम्मान में पहुंचे हैं। राजस्थान के जोधपुर ज़िले के बिलड़ा क्षेत्र के गांव भावी के रहने वाले भारतीय सेना के जांबाज सैनिक राम प्रकाश फौजी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आज उनका पार्थिव शरीर जब उनके निवास स्थान पहुँचा तो घर में चीख पुकार मच गई। वहीं शहीद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ऐसे में सेना के जवानों ने शहीद परिजनों को संभाला और उन्हें सांत्वना दी। माँ भारती के लाडले बेटे ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर जब उनके निवास स्थान पहुंचा तो हजारों हजार लोगों ने भारत माता के जयकारों से आसमान को गुंजायमान किया। शहीद राम प्रकाश फौजी की उम्र महज 28 वर्ष थी और वे 2014 से माँ भारती की सेवा कर रहे थे। वहीं बता दें कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों में उन्होंने मातृभूमि की रक्षा कर अपने कर्तव्यपथ का निर्वहन किया है। कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुर के देखना, कभी तपती धूप में चल कर देखना, कैसे होती है हिफाजत अपने देश की, जरा सरहद पर जाकर देखना। शहीद जवान राम प्रकाश फौजी का पार्थिव शरीर आज गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए निवास स्थान पहुंचा। वहीं हजारों हजार लोगों के साथ वाहनों का काफिला शहीद फौजी के पार्थिव के साथ चल रहा था और जैसे ही शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पहुंचा तो घर पर हजारों हजार लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं देशभक्ति नारों के साथ आसमान को गुंजायमान किया गया। हरियाणा के अंबाला कैंट में तैनात भारतीय सेना के जांबाज सैनिक ने मां भारती की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखकर शहीद जवान को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करें। वहीं आपसे क्रमबद्ध निवेदन रहेगा कि आगे के अपडेट के लिए आप अपरा समाचार यूट्यूब चैनल पर बने रहें। नींद उड़ गई ये बात सोचकर कि हमने क्या क्या है अपने देश के लिए, आज फिर सरहद पर खून बहा है मेरी एक नींद के लिए। और सैन्य अधिकारियों ने शहीद परिजनों को तिरंगा भेंट कर उनकी शहादत को सलाम किया है। तिरंगा भेंट किया गया तो माहौल गमगीन हो गया तो दूसरी तरफ भारत माता के जयकारों से आसमान गुंजायमान हो गया। देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।